नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के बुलेटिन की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की है। हल्द्वानी एफटीआई सभागार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा हमेशा से संवाद के कार्यक्रम करती रही है, पर आज उनके रात्रि प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से हर मुद्दे पर बातचीत की गई है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में सरकार अपना बजट रखेगी। 4 मार्च को सरकार सदन के पटल पर बजट रखने जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ कई विधायक मौजूद रहे। और आप सबकी जानकारी में है, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो हमारे दायित्वधारी हैं उनके साथ में और सवेरे जिला योजना समिति की बैठक के साथ और अब विश्वविद्यालय में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक लगभग 18 घंटे से मैं इधर क्षेत्र में हूँ। एक तो मैं जो मुझे सबसे बड़ी खुशी भी है और जो मुझे यहाँ पर उसकी अनुभूति भी हुई है, जो पत्नी का पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार का निर्णय राज्य की कैबिनेट ने लिया है, उसका पूरे राज्य में और राज्य के बाहर व्यापक स्वागत हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जीडीपी है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा। पौड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि बढ़ती महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है, हर दैनिक उपयोग की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। और वहीं देहरादून में आगामी महाकुंभ को लेकर पुलिस मुख्यालय में शुरू हुई इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशनल बैठक डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में शुरू हुई है। कुंभ की बड़ी बैठक मानी जा रही है। बैठक में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस अधिकारी बैठक में मौजूद रहे हैं और साथ ही अन्य राज्यों के सहयोग एवं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में लगातार ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि उपज और पशुधन अधिनियम 2020 में संशोधन और ऑर्गेनिक रिटेल आउटलेट्स और डिजाइन एंड ऑपरेशन प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कृषि ऑर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण का डिजाइन प्रस्तुत करें। इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को देते हुए कहा कि जनपद के क्लस्टर वार निर्धारित आउटलेट स्थलों पर सर्वे कर लें। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति अपने जनपद में लगाए जाने वाले आउटलेट के स्थल चयन की कार्रवाई करेगी। और वहीं देहरादून में बीजेपी विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान महिला मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। रितु खंडूरी ने कहा है कि कैबिनेट ने पति की पैतृक संपत्ति में महिला को भी सह खातेदार बनाने का निर्णय लिया है, जो काफी अच्छी बात है। जो फैसला हुआ है हम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है, इसलिए संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, एक तो अपनी सरकार को आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा आज, कि पैतृक संपत्ति में पत्नी का अधिकार होगा। जो डिवोर्स्ड हैं या त्यागी गई हैं और वो दोबारा अगर शादी नहीं करती हैं तो उनका भी अधिकार उस संपत्ति, पैतृक संपत्ति पे होगा। साथ ही साथ जो चाइल्डलेस कपल हैं, जिन कपल्स में बच्चा नहीं होता है और अगर पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी का अधिकार उनकी संपत्ति पे होगा। तो ये जो कार्यक्रम 2017 से महिला को सशक्त करने का उत्तराखंड सरकार चला रही है, उस जो चल रहा है वो कार्य, उसमें एक ज़बरदस्त कदम
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। काशीपुर की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। लगातार 20 सालों से विधानसभा का कब्जा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा पर रहा है, लेकिन जनहित समस्याएं लगातार बरकरार रही हैं। शहर में जलभराव की समस्याओं को लेकर हर बार चुनावी मुद्दा तो बनता है, लेकिन उससे जनता को निजात नहीं दिलाया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि यदि ये काम जल्द नहीं होता है तो वह स्वयं नाला निर्माण का कार्य शुरू करवा देंगे, जिसको लेकर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों ने नाला निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये 6 तरफ नाला बनना है पहले, और नाले के बनने के साथ ही साथ फिर बाद में सर्विस लेन का निर्माण होगा। तो आज यहाँ पर जैनेन्द्र शर्मा जी जो जिनको ये ठेका मिला हुआ है उनसे मेरी बातचीत हुई सारी, तो उन्होंने बताया कि इस साइड से शुरू कर दिया है और अभी बाजपुर रोड पर भी रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से खुदाई नाले की शुरू हो गई है और उस पर भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो इनके पास इस नाला बनाने का इन्होंने बताया कि हमने टारगेट 2 महीने का लिया है, 60 दिन का, 6 साइडों में कंप्लीट नाला करने का, लेकिन 45 दिन के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे, जैसा मुझे जैनेन्द्र शर्मा जी ने बताया। पिथौरागढ़ में 22 फरवरी को रानीखेत में सेना की भर्ती के लिए तैयार हजारों युवा कोविड टेस्ट के लिए पिथौरागढ़ पुलिस लाइन पहुंचे हैं, जहाँ उनके परीक्षण को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 टीम भी गठित कर दी गई हैं, जो सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के NTPCR जांच कर रही है। तो वहीं प्रशासन की ओर से यहां हो रहे परीक्षण में किसी भी असुविधा से बचने को पुलिस बल तैनात किया गया है, बावजूद उसके सोशल डिस्टेंस COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन होता हुआ नजर नहीं आया है। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार की SOP का विरोध तेज हो गया है। प्रेस क्लब हरिद्वार में संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर SOP को विरोध में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। 21 फरवरी को सुभाष घाट पर संयुक्त मोर्चा धरना देगा, इसके बाद दूसरे दिन रेलवे स्टेशन और तीसरे दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के कुंभ की बात करी है और उस कुंभ के लिए SOP जारी कर दिया है, जिस SOP का हमारा व्यापार मंडल ही नहीं, हरिद्वार के तमाम संस्थाएं, इसका व्यापारी संस्थाएं और बैटरी रिक्शा यूनियन, तमाम यूनियनों के साथ हमने बैठक करी, सभी इस SOP का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सभी संस्थाओं ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस संयुक्त मोर्चे के द्वारा पहला धरना 21 तारीख को सुभाष घाट पर सुभाष जी की प्रतिमा के सामने माँ गंगा का आचमन करके, शहीदों को नमन करके हम ये धरना देने जा रहे हैं। पर पूरे देश में आज पंजाब में चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, खूब रैलियाँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एक सरकार है, लेकिन नियम अलग अलग लागू किए जा रहे हैं। माघ मेले में लाखों लोग आते हैं, अभी मथुरा में मेला वहाँ के मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, लाखों हजारों लोग रोज पहुँच रहे हैं। केवल कुंभ में या हरिद्वार में होने वाले स्नानों पर कोरोना की बात कहकर व्यापारियों का दमन किया जा रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। व्यापारी आज हरिद्वार का भूखे मरने की कगार पे है। केवल एक अंतिम आस बची थी, वो थी महाकुंभ, और महाकुंभ को भी सरकार ने इस तरह से SOP जारी की कि कोई हरिद्वार की सीमाओं में प्रवेश ही ना कर पाए। किसान बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को लगभग करीब 3 महीना हो चुका है, जिसके बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार से भी किसान संगठनों द्वारा सरकार के किसान बिल के विरोध में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 21 फरवरी को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में किसानों की महापंचायत होनी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 15 तारीख, वो 21 तारीख आने वाली 21 तारीख 21 फरवरी लक्सर में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत वहाँ होने जा रही है, उसी के माध्यम में आज ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड इसमें हरिद्वार प्रेस क्लब में की गई है, और आपके माध्यम से इस हरिद्वार की, उत्तराखंड की प्यारी जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पूरे देश में 80% जो किसान है, जो आज भुखमरी की कगार पर है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा, उनसे सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो लक्सर इस किसान महापंचायत में वो पहुँचें और किसान जो लड़ाई लड़ रहा इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें, इस सरकार की आँख खोलने का काम करें, जो आज किसान के प्रति पूरी तरह से आँख मीचे बैठी, किसान को ये नहीं देख रही कि ये किसान भुक्का है, इसके पास क्या कमी है, वो दिन प्रतिदिन हर चीज़ों के रेट दुगने, इन 7 साल में फ्रिज, कूलर, TV, गैस सिलेंडर, हर चीज़ के रेट 4 गुने हो गए और किसान की फसलों के रेट वही है जो के। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।